पानसेमल नगर में सकल हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व बंगाल के कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर से हुए बलात्कार के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली। जनाक्रोश रैली दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर मेन रोड होते हुए स्थानीय पुलिस थाने पर पहुंची। रैली में मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी एवं सकल हिंदू समाज एवं संत समाज शामिल रहा। रैली में बालिकाएं बेटी की हो सुरक्षा जैसे नारे लिखे तख्तियां लेकर चल रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में वेशी धरंदे बलात्कारी पर कठोर कानून बनाकर शीघ्र फांसी की सजा या सरेआम मौत देने की मांग की गई। रैली में संबोधित करते हुए राजा रामदास महाराज ने कहा कि हमारे इतिहास में नारी की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना है और वह समय आ गया है। हिंदुओं को शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र सोलंकी ने कहा कि इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं से अपील की कि वह अपनी सुरक्षा के लिए दुर्गा माता की तरह अपने पास शस्त्र रखे। सुश्री सलोनी राणा ने कहा कि हमारे देश का कानून बहुत लचीला है, इसमें संशोधन कर ऐसे कुकर्मियों को शीघ्र मौत की सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। वैष्णवी बड़गुजर ने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करना होगी एवं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। पानसेमल से संदीप पाटिल की विशेष रिपोर्ट। नाम वैष्णवी बड़गुजर है, हम लोग पानसेमल से है और आज हमने इसलिए रैली निकाली है क्योंकि कोलकाता में जो हमारी डॉक्टर मैम के साथ जो दुष्व्यवहार हुआ, बलात्कारियों ने जो गलत किया है और जो हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ज्ञापन दिया और हमारे पानसेमल में सभी हिंदुओं को जगाया और रैली निकाली है। इसलिए राणा है, मैं भूतपूर्व विश्व हिंदू परिषद की जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ और ये आए दिन मतलब बांग्लादेश और बंगाल में जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, क्या आज पानसेमल में श्री द्वार आक्रोश रैली निकाली गई थी, उस संबंध में पुलिस को ज्ञापन दिया गया है और आने वाले समय में यदि इसी प्रकार की घटना होती शासन से भी फांसी की सजा के संबंध में कानून बनाने के लिए कहा गया।